बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट पाइथन ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। स्टूडेंट, पिछली कुछ वीडियो से हम जो है ना वो फॉर लूप को डिस्कस कर रहे हैं और मुख्तलिफ प्रोग्राम कर रहे हैं ताकि आपको फॉर लूप की वर्किंग जो है ना अच्छी तरह समझ आ जाए और कुछ प्रोग्राम जो है ना बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं वो भी आपको समझ आ जाए। जैसे आज के वीडियो के अंदर जो हम प्रोग्राम करेंगे वो है जी चेक नंबर इज प्राइम ओवर कंपोजिट यूजिंग फॉर लूप। हम प्रोग्राम को कोई नंबर देंगे और प्रोग्राम बताएगा कि यह नंबर प्राइम है या कंपोजिट है। अब स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं और कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। स्टूडेंट, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने आप के अलावा और वन के अलावा किसी पे डिवाइड ना होते हों, यानी कि ऐसे नंबर जिनको वन और वो खुद डिवाइड करते हों और कोई भी नंबर उनको डिवाइड ना करता हो, तो ऐसे नंबर को हम प्राइम कहते हैं। जैसे वन है, टू है, थ्री है, फाइव है, उसके बाद सेवन है, अलेवन है, थर्टीन एंड सो ऑन। अब जैसे मैं कहता हूँ जी फाइव है, अब फाइव जो है ना इसको सिर्फ वन डिवाइड करता है या फाइव डिवाइड करता है, इसके अलावा इसको कोई भी नंबर डिवाइड नहीं करता, तो हम कह सकते हैं ये प्राइम नंबर है। इस तरह हमारे पास नाइन जो है ना ये प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है। क्यों? नाइन को एक तो नाइन डिवाइड करता है, एक वन डिवाइड करता है और उसके बाद थ्री भी इसको डिवाइड करता है। इसी तरह 11 हमारे पास एक प्राइम नंबर है, 11 को कोई और नंबर डिवाइड नहीं करता, यानी कि 11 और 1 के अलावा, यानी कि किसी भी नंबर के अगर सिर्फ दो ही उसको फैक्टर आ रहे हों या दो ही उसके डिवाइजिबल हों तो ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं, यानी कि एक वो खुद और एक 1। इसके अलावा अगर वो कोई किसी भी नंबर पर डिवाइड नहीं होता तो हम कह सकते हैं कि वो प्राइम नंबर है। और दूसरे नंबर को क्या कहते हैं? हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। मैथमेटिकल वाले स्टूडेंट इससे अच्छी तरह वाकिफ होते हैं, तो हम इसको अब प्रोग्राम इसका लिखते हैं कि अगर हम कोई भी नंबर देंगे प्रोग्राम को तो प्रोग्राम हमें फौरन से बता देगा कि ये नंबर प्राइम है या कंपोजिट है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक वेरिएबल लेता हूं एज ए इनपुट के लिए और यहां पे हम लिख देते हैं जी इनपुट प्राइम, एंटर नंबर। उसके बाद यहाँ पे हम एक वेरिएबल लेते हैं फ्लैग के नाम से और उसको इनिशियलाइज कर देते हैं ज़ीरो से। फिर हम लेते हैं जी फॉर का लूप लेते हैं, आई इन रेंज। अगर व्यूअर्स ये आपको ये पता नहीं चल रहा कि ये रेंज वगैरह कैसे लेते हैं और स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है और हमारा एंडिंग पॉइंट क्या होता है, तो इसके लिए आप मेरी पिछली वीडियो अगर देखेंगे तो उसके अंदर मैंने आपको फॉर लूप को बड़े अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पर आ जाएगा 1, n+1 और यहाँ पे हम लगा देंगे कॉलन लगा देंगे। फिर हम कह देंगे जी इफ क्या है जी, अगर उस नंबर को जो हमने दिया हुआ है उसको डिवाइड करें इस पे आई की वैल्यू पे, आई की वैल्यू क्या आएगी? आई की वैल्यू होगी 1 से लेके उस नंबर के दरमियान जितने भी नंबर्स होंगे वो तमाम आई की वैल्यू होगी। अगर उसको डिवाइड करने से रिमाइंडर आ जाता है 0 के बराबर तो क्या होगा? जो हमारा फ्लैग का वेरिएबल है हम कह देंगे फ्लैग इज इक्वल टू फ्लैग प्लस 1, उसके अंदर 1 का एडिशन कर दिया जाए। अब देखें जी व्यूअर्स, हम यहाँ पे नंबर देते हैं जी 4। अब 4 को एक तो उसको 1 भी डिवाइड करेगा, इसको 2 भी डिवाइड करेगा और इसको 4 भी डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे ये 3 दफ़ा इंक्रीमेंट होगा और एफ़ की वैल्यू 3 हो जाएगी। अगर तो एफ़ की वैल्यू व्यूअर्स 2 रहती है तो इसका मतलब इसके डिविजिबल 2 हैं, एक वो खुद होगा और एक 1 होगा, तो इस सूरत में हम कह सकते हैं कि वो नंबर जो है ना वो प्राइम है। तो हमारा सिनेरियो कुछ इस तरह से बन गया कि अगर तो हम कहते हैं इफ हमारा एफ बराबर आ रहा है 2 के, ठीक है, तो हम कह सकते हैं प्रिंट कि वो जो नंबर हमने दिया है वो क्या है जी इज प्राइम, नहीं तो क्या हो जाएगा प्रिंट वो नंबर जो हमने दिया हुआ है कॉमा इज कंपोजिट। अब देखें जी ये हमारा कोड है जी, ये नहीं जी हमने नंबर दिया जी इसको 5, प्रोग्राम ने कह दिया 5 इज प्राइम। फिर हम कोई और नंबर देते हैं इसको, मैंने नंबर दे दिया यहाँ पे जी 9, तो इसने कह दिया ये कंपोजिट है। अब चेक करते हैं इसको डिबग करने के बाद, यहाँ पे मैं मार्क पॉइंट लगाता हूँ और उसके बाद यहाँ पे डिबग करता हूँ।
यहाँ पे एंटर नंबर, नंबर हमने दे दी जी 4। अब n इज इक्वल टू 4 है और फ्लैग हमारा किस पे कर रहा है, वेरी 0 पे कर रहा है। अब F7 करते हैं, F7 में i इज इक्वल टू 1 है। अब 4 को जब 1 पे डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर ऑब्वियसली 0 ही आएगा, क्योंकि 1 इसको डिवाइड कर सकता है। तो आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे ट्रू हो जाएगी। ये देखें इसकी कंडीशन ट्रू आ रही है, तो ये इसको क्या कर देगा, एफ़ की वैल्यू में एक का इजाफा कर देगा और एफ़ कितना हो जाएगा आपके पास, 1 हो जाएगा। उसके बाद आई की वैल्यू अब 2 हो जाएगी, जब 2 फिर दोबारा 4 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर आपका जो है ना वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा और कंडीशन आपकी यहाँ पे क्या आ जाएगी, ट्रू हो जाएगी। कंडीशन ट्रू होगी ये फिर क्या करेगा, इसके अंदर एक का इजाफा कर देगा। अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। जब 3 को आई मीन की वैल्यू 4 है, जब 4 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा बल्कि आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी, ये देखें फॉल्स आ रही है। जब फॉल्स आएगी तो ये इसको इंक्रीमेंट नहीं करेगा, वापस चला जाएगा लूप के ऊपर। अब जब आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, जब 4 को 4 पे डिवाइड करेगा तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आ जाएगा और कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी। जब ट्रू होगी तो ये क्या करेगा, एफ़ की वैल्यू में एक का इजाफा कर जाएगा और एफ़ की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब जब एफ़ की वैल्यू 3 हो गई है तो दोबारा फिर ये क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा, एफ़ के अंदर कितना है, 3 है और इक्वल टू 2 है, यानी कि तो वो कह रहा है कि 3 क्या 2 के बराबर है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी आप इसमें मूव कर जाएंगे, एल्स के ऊपर मूव कर जाएंगे। जैसे ही आप एल्स के ऊपर मूव करेंगे तो ये आपको प्रिंट कर देगा कि 4 इज कंपोजिट। इसी तरह व्यूअर्स आप कोई और नंबर देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे देता हूँ जी, डिबग करते हैं दोबारा, मैं नंबर देता हूँ जी यहाँ पे 5। अब जैसे मैंने नंबर्स को 5 दिया तो यहाँ पे एंटर करते हैं, तो अब एन के अंदर 5 है और फ्लैग हमारा 0 पे बैरी कर रहा है। F7 करते हैं, अब जब 5 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो ये ट्रू हो जाएगा और F की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब दोबारा फिर I की वैल्यू जब 2 होगी, जब 5 को 2 पे डिवाइड करेंगे व्यूअर्स, तो कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। यहाँ पर कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी क्योंकि रिमाइंडर आपका यहाँ पे 1 आ रहा है, तो यहाँ पे इसको इंक्रीमेंट नहीं करेगा बल्कि वापस लूप के ऊपर चला जाएगा। फिर वैल्यू आई की 3 हो जाएगी, जब 3 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो तब भी आपका रिमाइंडर जो है ना वो क्या आ जाएगा, समझने के 2 आ जाएगा और ये 1 के बराबर नहीं होगा, कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, सॉरी 1 आएगा और कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। और जब 3 पे यानी कि 5 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो व्यूअर्स रिमाइंडर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा और जब 2 आएगा तो कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी, यानी कि उसके अंदर एफ के अंदर इजाफा नहीं हुआ। अब जब इसकी वैल्यू 4 होगी, जब 5 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा और कंडीशन आपकी दोबारा फिर क्या हो जाएगी, फॉल्स रह जाएगी। अब फॉल्स रहेगी तो ये इंक्रीमेंट नहीं करेगा, वापस चला जाएगा किसके ऊपर, लूप के ऊपर। अब आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, जब 5 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर ऑब्वियसली 0 आ जाएगा और कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी और ये क्या करेगा, एफ में एक का इजाफा कर देगा और एफ की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब दोबारा फिर जब कंडीशन क्या आ जाएगा कि एफ बराबर है 2 के, तो कंडीशन क्या है जी, ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये क्या कर देगा कि 5 इज प्राइम और ये 5 प्राइम को शो कर देगा। अब इसके अंदर व्यूअर्स आप कोई भी नंबर देंगे तो वो झट से आपको बता देगा कि ये नंबर इवन है, सॉरी प्राइम है या कंपोजिट है। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया जी 12, तो इसने क्या दिया, 12 इज कंपोजिट। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे नंबर देता हूँ 13, तो ये कह देगा कि दिस इज ए प्राइम, 13 इज प्राइम नंबर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको आज के प्रोग्राम की समझ आ गई होगी, फॉर कैसे वर्किंग करता है और फॉर के अंदर अगर आपने कुछ और यानी कि कंडीशन लगानी हो तो वो कैसे काम करते हैं। तो मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह हाफिज़।